हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज मैं आपके साथ रेस्टोरेंट स्टाइल सिरके वाले प्याज की रेसिपी शेयर कर रही हूँ बाहर जब हम होटल्स में खाना खाते हैं हमें जो सिरके वाला प्याज मिलता है खाने के साथ कितना ज़्यादा टेस्टी होता है उसी स्टाइल में आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो यहाँ मैं ले रही हूँ दस से पंद्रह बेबी ओनियन्स मैंने इसे छील के अच्छे से धो लिया है और पंखे की हवा में इसे सुखा लिया है उसके बाद इसे यूज़ किया है अब एक नाइफ़ की हेल्प से हम ऐसे चारों तरफ ऑनियंस में लगा लेंगे कट इस तरीके से ताकि जब हम सिरके में इसे डिप करें तो अच्छे से सिरका इसके अंदर ऑब्जर्व हो जाए ये देखिए तो ये तो रेडी है मैं आपको एक और कट करके दिखाती हूँ ओनियन। तो हम नाइफ लेंगे और इसके चारों तरफ इस तरीके से हम कट लगा लेंगे ये देखिए बहुत ही ईजी है इसमें हम कोई भी कलर यूज़ नहीं करेंगे और बिल्कुल परफेक्ट होटल जैसा कलर आएगा तो ये देखिए रेडी है मैं अभी इस तरीके से सभी प्याजों को कट लगा के तैयार कर लूँगी मैं आपको एक और मेथड बताती हूँ आप इस तरीके से नाइफ़ को ऊपर रखिए प्याज के और ऐसे कट लगा लीजिए ये भी मेथड बहुत इजी है आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं मेथड तो मैंने सभी प्याज को ऐसे कट लगा कर रेडी कर लिया है ये देखिए तो कट लगा के प्याज रेडी है और यहाँ मैं ले रही हूँ पाँच से छः हरी मिर्च इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है अब हम ले रहे हैं एक बाउल और इसमें ऐड कर रही हूँ एक कप वाइट विनेगर और इसी में ऐड कर देंगे आधा कप पानी अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दो से तीन चम्मच चीनी मैं पिसी हुई चीनी का यूज़ कर रही हूँ आप चाहे तो नॉर्मल चीनी का यूज़ कर सकते हैं एक चम्मच ऐड कर देंगे नमक और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे ताकि चीनी और नमक अच्छे से पानी में डिजोल्व हो जाए और इसका खट्टा मीठा सा फ्लेवर इसमें ऐड हो जाए तो देखिए मिक्स करने में बहुत जल्दी से चीनी डिज़ोल्व हो रही है क्योंकि मैंने पिसी हुई चीनी का यूज़ किया है और ये देखिए एकदम परफेक्टली डिजोल्व है अब मैं इसमें बारीक बारीक कटे हुए आधा बीट रूट का यूज़ कर रही हूँ मैंने ऐसे देखिए छोट छोटे छोटे पीसीज में कट कर लिया है आधे बीट रूट को इसी में मैं ऐड कर दूंगी इससे बहुत अच्छा कलर आएगा और साथ में इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा तो इसे ऐसे मिक्स कर देंगे जैसे ही हम इसे मिक्स करते हैं इसमें एक हल्का हल्का सा देखिए पिंकिश कलर अपने आप आना शुरू हो जाता है तो ये देखिए अब हम इसी में ऐड कर देंगे जो हमने प्याज कट करके रखे हुए थे वो तो मैं सारे प्याज ऐसे ऐड कर दूंगी। और हम इसे अच्छे से सिरके में डिप कर देंगे इस तरीके से ताकि सिरके का फ्लेवर प्याज के अंदर ऐड हो जाए और मैंने इसी में ऐड कर दिए हैं हरी मिर्च और एक स्पून की हेल्प से अच्छे से इसे हम डिप करेंगे इस तरीके से आधे घंटे के लिए इसे मैं छोड़ दूंगी आधे घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ इसमें हल्का हल्का सा कलर आना शुरू हो जाएगा तो आधा घंटा हो गया है मैं आपको दिखाती हूँ देखिए कितना अच्छा सा फ्लेवर इसमें हल्का हल्का सा पिंकिश कलर प्याज में ऐड होना शुरू हो गया है ये देखिए तो बहुत ही इजी मेथड मैंने आपसे शेयर किया है आप इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा सिरके वाला प्याज अब मैं इसे दो घंटे के लिए छोड़ देती हूँ दो घंटे के बाद एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल होटल जैसा हमारा सिरके वाला प्याज बन तैयार होगा तो दो घंटे हो गए हैं और दो घंटे के बाद देखिए एकदम परफेक्टली कलर आया है जैसे बाहर हम होटल्स में खाना खाते हैं और हमें सिरके वाला प्याज मिलता है सेम यही कलर सेम यही फ्लेवर होता है मैं आपको दिखाती हूँ एक बार अंदर से इसका कलर देखिए एकदम परफेक्ट ही कलर है मैंने इसमें कोई भी कलर का यूज़ नहीं किया है और एकदम परफेक्ट फ्लेवर आया है ये देखिए तो हमारा सिरके वाला प्याज बनकर रेडी है आप इसे 10 से 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में सर्व कीजिए खाने के साथ आप बिल्कुल जो बाहर का रेस्टोरेंट स्टाइल वाला प्याज होता है खाना तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे घर में ही बनाना इसे पसंद करेंगे क्योंकि बनाना इसे बहुत ही ज़्यादा ईजी है बहुत जल्दी बन जाता है और जब ये आपका प्याज खत्म हो जाए सिरका आपका बच जाए आप सिरके में फिर से दोबारा से ऐसे प्याज कट करके डाल दीजिए और आपका सिरके वाला प्याज बन तैयार हो जाएगा तो चैनल पर मेरे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कीजिए तो मिलती हूँ मैं किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय